इंडिया गेट पर धरने पर बैठी प्रियंका गांधी, जामिया हिंसा के खिलाफ प्रियंका का विरोध। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का धरना, जामिया हिंसा के खिलाफ प्रियंका का यह विरोध। इस वक्त धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और साथ में जामिया मिलिया में कल जिस तरीके से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उनके साथ और मुख्तलिफ नेता भी बैठे हुए हैं, एक एंटनी साहब उनके साथ, गुलाम नबी आजाद। तो इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी और आज अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसी बीच अपने मांगों को लेकर धरने पर प्रियंका गांधी और मांगे दो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार जो देश में सवाल खड़ा है उसको लेकर, और साथ में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो पुलिस की नोकझोंक हुई है, छात्रों को जो पीटा गया है उस मामले में कार्रवाई की जाए, पुलिस पर जो आरोपी हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशन बनने दी और फिर कैंपस में घुसकर छात्रों की पिटाई की, उनको नामजद किया जाए, उन्हें सजा का पात्र बनाया जाए, इन मांगों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हैं। ये तस्वीरें लाइव इंडिया गेट से ही आप देख पा रहे हैं। जामिया हिंसा के खिलाफ प्रियंका का विरोध, तो विपक्ष ने अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है जामिया हिंसा को लेकर। हालांकि कल से ही वाद विवाद तो जारी था, एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां आरोप मढ़ रही थी, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसने निशाना साधा था आम आदमी पार्टी पर और ये कहा था कि उनका विधायक केजरीवाल जी के इशारे पर अमानतुल्ला खान शरारती तत्वों के साथ वहां पहुंचे हुए थे। उधर कांग्रेस का ये कहना है कि पुलिस ने जिस बेरहमी से छात्रों से वो पेश आई है, छात्रों की पिटाई की है, वो अपने आप में दुखद। कल का पूरा घटनाक्रम जो हुआ है दिल्ली में, कल संसद तक मार्च करना चाहते थे जामिया मिलिया के छात्र, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते थे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका था और उसके बाद वो तस्वीरें हमने देखी जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ था, बसों को आग के हवाले कर दिया गया था, पत्थर उठाकर छात्र मारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये आरोप है कि पुलिस ने दरअसल उन्हें लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया, और उसके बाद जब पुलिस खदेड़ते खदेड़ते यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई, गेट खोलकर वो अंदर आई, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी पिटाई की गई, लाइब्रेरी तक में पुलिस घुस गई और उसके बाद बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया गया।